हेलो व्यूअर्स, मैं ललन सर पुनः उपस्थित हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल आई एन अकेडमी में आप ही के लिए एक नए सवाल के साथ। यह सवाल जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से संबंधित है और ऐसे व्यूअर्स के लिए है जो क्लास ट्वेल्थ में है, चाहे वह CBSE बोर्ड के हो चाहे बिहार बोर्ड के। दोनों ही बोर्ड जो है NCERT पैटर्न को फॉलो करता है, अर्थात यह क्वेश्चन जो है NCERT बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे भी स्टूडेंट के लिए है, खास करके जो क्रैश कोर्स के माध्यम से अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, अर्थात जिनका पढ़ाई किसी न किसी वजह से प्रभावित रहा है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। यह क्रैश कोर्स का क्वेश्चन है और हम क्रैश कोर्स का जो है प्लेलिस्ट तैयार कर दिए हैं, आप वहां जा करके उन सभी क्वेश्चन को करके बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं, 90+ कर सकते हैं और इसमें हम सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डाल भी रहे हैं और पहले से डाला हुआ भी है। और अब हम बोर्ड पे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्वेश्चन क्या है फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इफ वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। यानी कि यह दिया हुआ है, यदि यह होगा तो हमको इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसके अलोन करना है, वाई के अलोन करना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि यह दिया हुआ है यदि, तो हम लिख सकते हैं हेयर या गिवन, तो हेयर ही लिखते हैं हेयर। y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इसको हम वन मान लेते हैं और इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, वी गेट देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो है हमको अलोन वाई करना है। तो यहाँ पे चूंकि वाई इजकल टू कॉस इनवर्स एक्स है तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयर फोर एक्स इजकल टू कॉस इनवर्स, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। और हम इसको यहाँ वन माने हैं तो हम इसको टू मान लेते हैं ताकि हमको यहाँ पे रखने में आसानी हो। तो हम जो है एक्स स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस वाई बराबर एक्स है। और माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स के जगह पे जो है हम बैठा सकते हैं कॉस वाई, तो एक्स स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर वन अपॉन साइन वाई हो जाएगा। और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक वाई माइनस कॉसेक वाई हो जाएगा। और माइनस कॉसेक वाई, अब हम क्या करेंगे, इसको हम वन टू इसको हम थ्री मान लेते हैं। इसको चूंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जा रहा है हमसे, इसको अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन थ्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड we get, therefore second order derivative क्या हो जाएगा, माइनस cosec y का पहले y के सापेक्ष होगा फिर y का x के सापेक्ष होगा। cosec y का क्या होता है, cosec माइनस cosec y into cot y। और माइनस है पहले से, अब हम यहाँ क्या करते हैं, कॉसेक वाई का वाई के साथ हो जाएगा माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू इसका हो जाएगा, ये जो है डी वाई अपॉन डी एक्स है।
अब डी वाई अपन डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रॉम थ्री से माइनस कोसेक हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन थ्री से क्या दिया हुआ है, डी वाई अपन डी एक्स अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस कोसेक हुआ है। यहाँ पुट करेंगे इसमें देयर माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, अच्छा ठीक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस सेक वाई कॉट वाई और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉट कॉसेक वाई डी वाई अपन डी एक्स की जगह पे माइनस कॉसेक वाई। तो देयरफॉर माइनस कोसेक वाई, कोसेक वाई कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई, जो कि इसका आंसर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और ऐसे व्यूअर्स जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो अभी अभी इस चैनल पर आए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों का भी सहानुभूति आपके साथ साथ आपके लालन सर को मिले, और आपके लालन सर को जो है आपके द्वारा अगर मोटिवेशन मिलेगा तो आपके सर को काफ़ी ऊर्जा मिलेगा, जिसका इस्तेमाल हम आपके बेहतर के लिए करेंगे। हम तब तक आपसे आज्ञा मांगते हैं जब तक नए सवाल पे हम विचार नहीं करते हैं, यानी कि कल हम पुनः आपके बीच उपस्थित होंगे नए सवाल के साथ। धन्यवाद।